तो वहां पर मैंने, एक किया, करके मैंने छोड़ दिया मैं है। मैंने एक दिन से चेक किया, देखता हूँ एक सौ चौदह ऑर्डर्स मैं शॉक्ड हो गया एकदम से यूट्यूब और इ e कॉमर्स में एक चीज सिमिलर है जैसे आपकी जर्नी से आपने कई वीडियो डाली उसमें से एक वीडियो हिट हो गई और वो पूरे चैनल को उठा दी सेम वैसे ई कॉमर्स में भी होता है yes. आप सौ प्रोडक्ट डालते हैं उसमें से एक, एक प्रोडक्ट आपका हिट होता है एक प्रोडक्ट आप बिलीव नहीं करोगे मेरे ही एक क्या नाम है क्लाइंट है उनको अभी स्पेन से दस हजार शर्टों का ऑर्डर आया है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एटसी का कोई रिटर्न नहीं है इसमें नो रिटर्न पॉलिसी है एटसी की कैश ऑन डिलीवरी ठीक है ना नहीं क्या, पेमेंट पहले है कैश ऑन डिलीवरी भी, भी नहीं है नहीं है डिलीवरी भी नहीं है आज हमारे साथ एक ऐसे ऑनलाइन सेलर ट्रेनर जुड़े हुए हैं जो आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से आप एमेजोन फ्लिपकार्ट इट्सी से ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेलकम मिस्टर राहुल वर्मा फाउंडर ऑफ टेक बिन ऑनलाइन एंड uh, आपके बारे में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूंगा आज इनके YouTube में एक लाख पच्चीस हज़ार से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं ऑनलाइन सेलर्स हैं जो ऑनलाइन सेलिंग सीख रहे हैं इनफैक्ट एक हज़ार से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इनसे ऑनलाइन सीख के इंडिया से बाहर फॉरेन पे ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं तो आज हम इनसे समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया में अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं और कैसे इंडिया से आउट ऑफ इंडिया सेलिंग कर सकते हैं तो

ठीक है अपनी ही फील्ड में तो जॉब करने में वही एक जगह कुर्सी पे बैठे रहने में मुझे नहीं मजा आ रहा था कुछ भी ठीक है ना जब मैंने जॉब छोड़ी ठीक है मैंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया जिस फील्ड में मैं था बेसिकली जनरेटर हायरिंग की लाइन में मैं था जो डीजल जनरेटर होते हैं ना क्यूम के लॉस करके बड़े कैनोपी वाले ठीक हाँ। है ना उनको मैं हायरिंग पे प्रोवाइड करता था ट्रेडिंग करता था मतलब एक यहां से लिया दूसरी जगह दे दिया बीच में कमीशन ले लिया ठीक है ना तो मेरे को उसमें भी क्या नाम है लॉस हुआ पहला बिजनेस में मुझे लॉस हुआ उसके बाद धीरे धीरे मैंने फिर क्या किया कहीं देखा कि मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं वो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं देन मैंने ये ऑनलाइन सेलिंग शुरू की ठीक है और उसके बाद जब मैंने शुरू करी इसको समझा अच्छे से देन उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा इनिशियल स्टेज में कहते हैं ना कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी कि मैं पैसा लगा सकूं बहुत ज़्यादा हालांकि फ़ैमिली बैकग्राउंड मेरा सही है तो मेरे पास लैपटॉप वगैरह सब कुछ था ठीक है मेरे जो फादर हैं वो दूरदर्शन में थे ठीक है ना और मेरा ब्रदर भी जो है वो इंजीनियर ही है तो फैमिली बैकग्राउंड मेरा अच्छा है डेट्स वाई मेरे पास कभी लैपटॉप वगैरह प्रिंटर वगैरह की कमी नहीं थी बट एक होता है ना कि अपनी सेविंग्स भी कुछ होती हैं तो घर वालों से मैंने कभी कुछ नहीं मांगा ठीक है uh, मैंने अपने प्रोडक्ट लिस्ट किया ऑनलाइन सेलिंग पे देखा लिस्ट करके छोड़ दिया Okay. मतलब अपनी खुद की वेबसाइट लिस्ट मैंने सबसे पहले एक कंपनी ने टेक कर लिया पर मैंने अपना एक प्रोडक्ट लिस्ट किया प्रोडक्ट लिस्ट करके मैंने छोड़ दिया मगर ठीक है देन सडनली मैंने एक दिन से चेक किया देखता हूँ यार कि क्या रिस्पॉन्स है तो जब जिस दिन मैंने चेक किया 114 हंड्रेड उस पे आए हुए थे एक सौ मैं शॉक्ड हो गया एकदम से एक वो दिन था और एक आज का दिन है मैंने क्या नाम है वो 114 सौ ऑर्डर पूरे करने के लिए भी अपने ब्रदर से सेवन थाउजेंड रुपीज उधार लिए थे कि भाई मेरे को दे दे ठीक है ना तो ऐसे मैंने अपना काम शुरू किया था ठीक है तो ये काम चलता रहा धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता गया शॉप क्लोज पे फ्लिपकार्ट पे, एमेजॉन पे आज की डेट पे इटसी पे भी है ठीक है सात साल से ज्यादा हो गए हैं मेरे को इस लाइन में ई कॉमर्स की लाइन में तो

वही आपके लिए मतलब वही अपने आप में एक अचीवमेंट है कि आपने पार्टिसिपेट किया एटलीस्ट आज की डेट में बहुत सारे लोग हमसे कनेक्टेड होते हैं वो कंफ्यूजन पे रहते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा मैं डालू कि नहीं डालू मैं इनिशिएटिव लू कि नहीं मैं अपना टाइम स्पेंड करू कि नहीं थोड़ा बहुत पैसा लगता है वो क्या मैं स्पेंड करू कि नहीं वहां पर ही लोग रुक जाते हैं रुक जाते हैं सो so, उसके आगे की जर्नी कैसी थी उसके बाद यूट्यूब आपने चालू किया दिन देखो मैं आपको बता दूं जब मैंने YouTube चालू किया मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का आएगा मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था जस्ट मैंने वीडियोस बना के डालना शुरू किया सडनली मैं एक दिन ऐसे ही क्या नाम है अपनी गाड़ी में गफ्फार मार्केट जा रहा था अपना सामान लेने के लिए मैंने क्या नाम है देखा एकदम से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं पहले 700 थे एकदम से 1200 सब्सक्राइबर्स हो गए विद इन क्या नाम है जो आ, हाफ एन आवर मेरी एक वीडियो लोगों को पसंद आई वो चलना शुरू हो गई और वो वीडियो ऐसी थी कि उसने मेरा पूरा चैनल ही उठा दिया ठीक okay, okay. है उसके बाद से मेरे को लगा कि हाँ लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है जो मैं उनको बताना चाह रहा हूं उनको जो सिखा रहा हूँ वो पसंद आ रहा है तब अमेजॉन फ्लिपकार्ट से रिलेटेड ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड मैंने वीडियोस डालना शुरू किया अब भाई लोग ठीक है अपना अकाउंट बना लेते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट पर काम कैसे करें ठीक है अभी भी उनको बहुत चीज़ों की जरूरत थी आज भी जब मैं अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम है मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है मैं लोगों को सिखाता हूँ अमेजॉन पे कैसे काम करें फ्लिपकार्ट कैसे काम करें इट्सी पे कैसे काम करें ये सब मैं उनको सिखाता हूँ मेरा ये पेड ट्रेनिंग कोर्स है लेकिन फीस इतनी नॉमिनल है ना कि सिर्फ और सिर्फ अमेजॉन फ्लिपकार्ट का मैं तीन हज़ार चार्ज करता हूँ पूरे कोर्स का जिसमें तीन महीने का अमेजॉन का अकाउंट मैनेजमेंट भी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ उसी तीन हज़ार रुपये में क्योंकि मुझे पता है लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है एब्सोल्युटली आई थिंक बहुत सारे लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए होता है इनिशियल स्टेज में क्योंकि जब आपको पता नहीं होता कि किस तरीके से करें आप खाली आग बन करके बोलते हैं ना तीर मारते देल रहते, देल। रहते हैं आपकी एक बात से मेरे को एक चीज़ हिट करी कि यूट्यूब और ई e कॉमर्स में एक चीज़ सिमिलर है जैसे आपकी जर्नी से आपने कई वीडियो डाली उसमें से एक वीडियो हिट हो गई और वो पूरे चैनल को उठा दी सेम वैसे ई कॉमर्स में भी होता है yes. आप सौ प्रोडक्ट डालते हैं उसमें से एक, एक प्रोडक्ट आपका हिट होता दो है दो एक प्रोडक्ट अब कई लोग होते हैं वो पांच प्रोडक्ट डाल देते हैं और फिर बोलते हैं यार एमेजोन से तो ऑर्डर और नहीं, नहीं आ रहे हैं फ्लिपकार्ट से तो ये सब बेकार है बोलते हैं नहीं इट्सी विटसी का तो नाम भी नहीं सुने होंगे और इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो हमारे से कनेक्टेड है वो सोशल मीडिया पर सेल करते हैं वो तो उनको इनफैक्ट और मेहनत करनी पड़ती है आपको टाइम लगता है आप एटलीस्ट उनके प्लेटफॉर्म पे अपने पास प्रोडक्ट इतना डालते हो कि एटलीस्ट उनका पैट प्लेटफॉर्म समझता है कि क्या चीज बिल्कुल चीज़ बिल्कुल देखो एक प्रोडक्ट वायरल होने की बात है जैसे यूट्यूब पे व, वीडियो वायरल हो जाती है ना तुम सौ प्रोडक्ट डालोगे सौ के सौ प्रोडक्ट नहीं चलेंगे ठीक है सौ में से कोई दो तीन चार प्रोडक्ट होंगे जो आपके पूरे पैनल को उठा देंगे वही आपकी सेल को लाखों में ले जाएंगे तो मिनिमम कितना प्रोडक्ट डालना चाहिए लोगों को देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं मैंने ऐसा भी देखा है कि पंद्रह प्रोडक्ट डाल के भी बिजनेस उठा लेते हैं हाँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हजार प्रोडक्ट डाल के भी बिजनेस नहीं उठा पाते प्रोडक्ट वाला तो एकदम एक्सेप्शनल होगा ना कि बहुत कम ऐसे एक के के दुख लोग ऐसे होते हैं नहीं कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं सब प्रोडक्ट अगर आपका यूनिक है और प्रोडक्ट में अगर आपके दम है जिसकी डिमांड ज्यादा है ठीक है ना तो बिल्कुल आपका जो काम है वो चलेगा ठीक है एक चीज पूछना चाहूंगा इस तरीके का प्रोडक्ट कहाँ से खोजा जाए देखो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सब कुछ बिकता है आपने शर्ट पहनी हुई है मैंने शर्ट पहनी हुई है ठीक है ऑनलाइन बिकती है आप बोलोगे यार इतने सारे कस्टमर्स हैं इतने सारे सेलर्स हैं सब शर्ट बेच रहे हैं हमारा ऑर्डर कहां से आएगा प्रॉब्लम यहां आती है देखो ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है ब्रांड बिल्डिंग बहुत जरूरी है ठीक है आज की डेट में ब्रांड बिल्डिंग में तुम्हें थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ठीक है अगर जिन लोगों के पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए उनको थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा भाई मैंने ये भी नहीं कहा कि आप लोग स्टॉक लाकर रख दो ठीक है आप लोग स्टॉक लाकर रख दो इट्स ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको स्टॉक की भी जरूरत नहीं है आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है आपको बस फोटोज डालनी है पेमेंट आपके पास पहले आएगी आपको टाइम मिल जाएगा देने का ऑर्डर आएगा पेमेंट आ गई अब आपको ऑर्डर डिलीवर करना है दस पंद्रह आपको मिल जाएंगे तो क्या आप उस प्रोडक्ट को अरेंज नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हो आपको स्टॉक की भी जरूरत नहीं है आपकी इस बात से मेरे को ये चीज समझ आई कि अभी अभी इट्सी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है बहुत सारे लोग इट्सी के बारे में बात कर रहे हैं और इनफैक्ट बहुत सारे लोग इंडिया से इट्सी पे आउट ऑफ इंडिया सेल कर रहे हैं और हजारों की इनकम कर रहे हैं मतलब हजारों की चीजों को लाखों की इनकम हजारों की चीज जो इंडिया में कमाते हैं वो लाखों के में कमा रहे हैं एटसी में बेच के बिल्कुल मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्या नाम है पाँच सौ तो पाँच सौ तो रुपये की चीज़ को आप बिलीव नहीं करोगे साथ साथ आठ आठ हज़ार में बेच रहे हैं आज की रेट में ठीक है इन उसमें से मैं खुद भी हूँ ठीक right. है सो <laughs> so, मतलब ये वर्क कैसे करता है किस तरीके क्योंकि हमारे साथ ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो इंडिया से आउट ऑफ इंडिया बेचना चाहते हैं अफकोर्स बाहर पैसा ज्यादा मिलता है आ, इंडिया से बाहर आपको पता है ये चीज अगर इंडिया में हमको 1000 व्यूज का 150 से 200 रुपए के बीच कुछ अमाउंट मिलता है एडसेंस का तो वही चीज अगर हम यूएस में हमारा चैनल होता तो वो तीन हजार रुपए मिलता हमको बिल्कुल ये वैल्यू है वहां बिल्कुल तो वहां पे अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो ये शर्ट अगर इंडिया में मैं 500 हजार की बेच रहा हूँ तो वहां पर दस हजार की भी बेच सकता हूँ बाहर के लोगों के लिए 100 डॉलर क्या है

अब जब क्या नाम है हम किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं ना मैंने भी सर्च किया इसके बारे में मैंने भी ऐसा नहीं कि मुझे पता था मैंने भी कुछ YouTube पे वीडियोस देखी था मुझे पता लगा इट सी क्या है ठीक है इसके बारे में मैंने देखा खुद से काम शुरू किया मेरे भी इट पे पहले क्या नाम है एक से दो अकाउंट सस्पेंड हो चुके हैं दो अकाउंट मेरे सस्पेंड हुए थे तो वेरिफिकेशन है उसमें भी बिल्कुल वेरिफिकेशन है उसके अंदर भी ठीक है देन मैंने समझा कि क्या यार क्यों अकाउंट सस्पेंड हो रहा है इट पे ठीक है अब कहते हैं ना कि एक चीज के पीछे पड़ जाना हाँ। अब मेरे साथ एक ये चीज और है कि जो चीज मुझे चाहिए ना तो वो चाहिए ठीक है थीके? ये चीज है कि मुझे यहां तक पहुंचना है तो पहुंचना है ठीक है ये चीज है एक फाइटर एटीट्यूड बहुत <laughs> और ये आज की डेट में होना जरूरी है हर किसी के अंदर होना जरूरी जो बिजनेस शुरू करना चाह रहा है ना उसके अंदर भी ये होना जरूरी है बहुत जरूरी है इनफैक्ट इंस्टाग्राम uh, पे uh, माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए बट इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करते हैं पेशेंस नहीं हो पाता उनके पास नहीं हो पाता दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन एक महीने के बाद बोलते हैं फॉलोअर्स नहीं आ रही तो छोड़ना शुरू कर कर छोड़ना, छोड़ना शुरू लोग छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं उस और जो टिक जाता है वो टिक जाता है वो लंबे समय तक के टिक जाता है जिसको अब मान के चलो हंड्रेड के सब्सक्राइबर के बाद बंदे के अंदर एक जुनून आ जाता है कि अब मेरे को एक मिलियन कैसे भी करना है बिल्कुल तो मैं यही चाहूँगा कि आप बताएँ कि आगे किस तरीके से कर सकते हैं <laughs> देखो जो ये मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ठीक है इसकी जो मैं फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ अमेजोन फ्लिपकार्ट की तीन हज़ार इट्सी की दो हज़ार अगर कोई ये फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता ठीक है तो मेरे हिसाब से वो बिज़नेस नहीं कर सकता क्योंकि बिज़नेस करने के लिए तो थो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए ना सही बात है और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको एमेजोन या इट्सी के लेवल पे जाने के लिए आपको पहले सोशल मीडिया भी पहले पर सेटअप चाहिए बिल्कुल आपको उतनी अर्निंग अगर आपको एकदम जीरो बिना कुछ निवेश के अगर चालू करना है तो आप सोशल मीडिया से ही चालू कर सकते हो उतना आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप से ही सेल करके रीसेलिंग करके कमा सकते हो बट जब आई थिंक आपका एक बेस बन जाता है जब आपके पास पांच दस हजार बीस हजार पचास हजार रुपये इकट्ठा हो जाते हैं जब आपको चाहिए कि अब आप ग्रो करो अब आपको ग्रोथ आए आई थिंक उस स्टेज में यहाँ पे इन्वेस्ट करना सीखना लर्न करने में और इट्सी में भी आई थिंक प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह करने में कुछ ना कुछ तो खर्चे ही लगता और इट्सी एक ऐसा है जिसको आप अपने कनेक्ट कर सकते हो इट्सी से, बिल्कुल इंस्टाग्राम को भी फेसबुक को भी वो सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको जोड़ने के लिए उसके अंदर ऑप्शन आता है आप लोग जोड़ सकते हो अपने अकाउंट को सोशल मीडिया से भी आपको सही बताऊ मेरे को इट के बारे में कुछ भी नहीं पता <laughs> चला पता। पता। को शिपिंग, शिपिंग, शिपिंग हाँ। तो कोई जीएसटी नंबर चाहिए ना कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए इट्सी के अंदर ठीक है अपने इंडिया पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो आप ठीक है ना अपना क्या नाम है और भी प्लेटफॉर्म है डिलीवरी है शिप रॉकेट एक्स रॉकेट के थ्रू भेज सकते हो आप

फिर भी आपको एक अच्छा खासा पैसा बच रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इट का कोई रिटर्न नहीं है इसमें नो रिटर्न पॉलिसी है एट की कैश ऑन डिलीवरी ठीक है ना नहीं कै पेमेंट पहले है कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं है कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं है नहीं है कैश ऑन डिलीवरी कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं है रिटर्न्स भी, 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 भी नहीं है आपको पता ई इंडियन कॉमर्स e में ये दो चीज ही किसी भी ऑनलाइन सेलर को डुबाती दुबा डुबा डुबाती है ठीक है थीके? तो ये चीजें हैं अच्छा ये बताइए कि जैसे जब ये चीज हालांकि उतनी एथिकल नहीं है बट हाँ। इट् से जैसे कस्टमर कनेक्ट हुआ इसको मैं हाँ। पर्सनली कनेक्ट कर सकता हूं। बिल्कुल कर सकता बिल्कुल सकते हो मैसेजेस के थ्रू यार ये तो बहुत अच्छी चीज है मैसेज के थ्रू बिल्कुल कर सकते हो भाई अगर मान लो किसी को अपने क्या नाम है किसी ने आपको शर्ट का ऑर्डर दिया ठीक है उसको कुछ साइज में इशू है ठीक है ना तो वो आपसे मैसेज के थ्रू वो कर देगा कनेक्ट कर लेगा कि मुझे इस साइज का आप बनाकर दे दो ठीक है ना तो इस तरीके से आप इट्स के थ्रू कनेक्ट तो कर सकते हो मैं बल्कि में ऑर्डर ले सकता हूँ बी में मतलब अगर किसी से अच्छी सेटिंग हो गई मेरी बिल्कुल आप बिलीव नहीं करोगे मेरे ही एक क्या नाम है क्लाइंट है उनको अभी स्पेन से दस हजार शर्टों का ऑर्डर आया है दस हजार शर्टों का ठीक है जो वो वहां पर अपने फिजिकल स्टोर में सेल कर पर शर्ट का कितना प्रॉफिट उनका होगा पर शर्ट का जो उनका प्रॉफिट है देखो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ रही है उस शर्ट को बनाने में वो 300 पड़ रही है ठीक है और सारे खर्चे निकालने के बाद ठीक है क्योंकि अब ये इटसी पे नहीं कर रहे अब ये उनकी डायरेक्ट डीलिंग हो गई है, अच्छा डायरेक्ट अभी जो है वो इट पे इट पे नहीं जाएगा है? अब बल्क में ऑर्डर जा रहा है तो पर शर्ट वो जो है इलेवन के हिसाब से वहां पर सेल कर रहे हैं तब भी दस शर्ट का ऑर्डर बहुत बड़ा ऑर्डर है बहुत बड़ा ऑर्डर है इस देखो बिजनेस कहां से निकालना है ना वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हारे दिमाग के ऊपर है तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर है ठीक है इंसान कहीं से भी बिजनेस निकाल सकता है एब्सोल्युटली और जो पेमेंट है कितने दिन के बाद आती है इनके बैंक अकाउंट पे एडवांस पेमेंट है मतलब पहले अक, मेरे अकाउंट पे आ जाएगी देखो 50% पेमेंट एडवांस है और जब हमने क्या नाम है माल भेज दिया मतलब माल भेजा नहीं जो उसका नंबर होता है ना वो उनको व्हाट्सएप कर दे कि माल निकल रहा अच्छा, तो इंडिया में बहुत बड़ी चीज है ना जो गलत फायदा उठाएंगे तो ये बैन हो जाएंगे उससे कि नहीं, के अंदर अगर मान लो अगर तुम्हारे पास कोई ऑर्डर आया तुम्हारा पेमेंट आ गई तुमने ऑर्डर नहीं दिया अकाउंट सस्पेंड एक ही बार में एक ही बार में तुम्हारा एक्टिवेट भी नहीं होगा तो ये भाई साहब क्रिकेट है ये एक बॉल विकेट पे लगी और आप गए सीधा अमेजॉन है अमेजोन है। तो, भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट है इट्सी है और सोशल मीडिया है ठीक है ना ये बहुत मतलब अगर जिसके हाथ में फोन और इंटरनेट है ना आज की डेट में और वो पैसा नहीं कमा पा रहा तो इसमें उसी बंदे की गलती है ठीक है ना मैं आपसे दो तीन सवाल और पूछना चाहूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा सबसे पहला सवाल कि कौन कौन से ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट है जो इट्सी में बहुत तबाही मचा सकते हैं हवाई शर्ट्स, बीच बीच साइड जो शर्ट होती है जो मैं पहनू जो आपने पहन रखी है जो जैसे मैंने ये पहन रखी है मेरे को पहले बताते तो मैं इसको पहनता नहीं <laughs> टैग <टेंग> नहीं बताता <laughs> तो, लेडीज कुर्तीज हो गई बहुत डिमांड है आउट ऑफ इंडिया बहुत डिमांड है साड़ीज़ की बहुत डिमांड है टेम्पल्स वुडन प्रोडक्ट्स हैंडमेड आइटम्स इतनी डिमांड आप बता नहीं सकते जो टेम्पल्स के जो स्टोन्स वगैरह होते ना जो बिकते हैं बाहर हाँ हाँ। इंडिया में शायद उसका वो प्राइस नहीं मिलता बाहर लोग इतने महंगे में ख़रीदते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते ऑल राइट ऑल राइट बहुत सारे लोगों को ये पहली बार पता चलने वाला है कि कुछ ऐसा भी है इंडिया में जो आउट ऑफ इंडिया आप इतनी इजीली ईजीली काम कर सकते हैं अपने आसपास की चीज़ों को देखिए आपके शहर में क्या चीज़ है मैं रायपुर से हूँ यहाँ पे बस्तर आर्ट्स बहुत फेमस है मतलब एक शहर है बस्तर वहाँ का आर्ट वर्क बहुत फ़ेमस है उसको कोई भी डाल सकता है और आई थिंक इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी बहुत अच्छी चलेगी आई थिंक राजस्थान गुजरात इस एरिया में तो भाई लोग तबाही मचा देंगे <laughs> आम, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इट्सी में इट्सी के अंदर आपके पास सिर्फ जो बेसिक डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड आपका आधार कार्ड आपका बैंक अकाउंट ठीक है बस ये चीजें लगती हैं इट्स के अंदर और कुछ नहीं अच्छा नहीं कई लोग समझेंगे कि ये प्रमोशनल वीडियो है इट्सी की भाई देख लो डिस्क्रिप्शन में देख लो कोई लिंक नहीं है हमारा कोई प्रमोशन नहीं है इनफैक्ट इंडिया की कंपनीज नहीं है यहाँ पे वो अपनी आई थिंक मार्केटिंग भी वो यहाँ नहीं, नहीं करते हैं बिल्कुल नहीं करते बहुत कम मैं तो आज तक की इट का कभी ऐसा नहीं देखा सिर्फ एक पता था कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है करके बट um, अच्छा हुआ कि आपने बताया कि हाँ ये चीजें हैं और आई थिंक um, आप जैसे लोगों से जुड़ने का यही फायदा है कि नई नई चीजें पता चलती हैं। बिल्कुल मैं भी आपके आपके चैनल पर बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ आपकी मुझे बहुत पसंद आती है कि आप लोगों की इतनी मदद कर रहे हो कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो ठीक है देखो इंडिया के अंदर ना लोगों को क्या है लोगों को पैसा कमाना है ठीक है और हम वही प्लेटफॉर्म लोगों के पास लाकर रखते हैं कि जितने उनकी जितनी से ज़्यादा मदद हो सके ना वो हमें करनी चाहिए लक्ष्य जी आपका चैनल देखने के बाद देखो बहुत सारी चीज़ें लोगों को जाननी जरूरी हैं आप सोशल मीडिया के बारे में इतना बताते हो कि सोशल मीडिया पे कैसे अपने प्रोडक्ट सेल करें ठीक है आपकी वीडियोस देखता हूं मुझे बहुत पसंद आती है वो है तो आप लोगों की इतनी मदद कर रहे हो ठीक है ये बहुत बहुत बड़ी बात है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर तो इस वीडियो के बाद हम एक और वीडियो शूट करते हैं ठीक है क्योंकि मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल है आपके जो आप जो कंटेंट बनाते हो सोशल मीडिया को लेकर और उस वीडियो को मैं अपने चैनल पर डालूंगा ठीक है लक्ष्य जी धन्यवाद <laughs> धन्यवाद मैंने तो आपको बुलाया था कि आप आएं एक बार हमारे चैनल पे बट डेफिनेटली विल शूट अनदर वीडियो जो uh, वो लोग आपके चैनल पे भी जाके देख पाएंगे बिल्कुल बिल्कुल आ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए लोगों की आंखें खोलने के लिए एंड हाँ आपने जिस तरीके से बिजनेस को शुरू किया और जिस मुकाम पे आप हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशनल है अगेन थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर कमिंग हि एंड दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो अगर राहुल सर का प्रोग्राम आपको देखना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा वहाँ पे जाके आप पूरा प्रोग्राम भी देख सकते हो और हाँ अगर इसी तरीके की वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप सभी के लिए इस तरीके की वीडियोज़ बनाता रहूँ मिलते हैं अगली वीडियो में